तो मैं यहाँ पर चल रहा था तो थोड़ा सा इसने पीछा किया मेरा, तो देख रहा था शायद भूखा होगा, तो बस इसे बिस्किट भी दिला दिया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर गोके चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और जो ये बहुत बढ़िया एकदम ये एसी रूम देख रहे हो आप, है ना? जी हाँ, ये मेरे पैसे से नहीं है, ये मुझे हेल्प किया है। कैसे हेल्प किया है वो मैं बताऊंगा। मैं राजस्थान में हूँ, तो राजस्थान से पहले मैं जयपुर में रुका। जयपुर में रुकने के बाद मैं जेब में 200 रुपये थे, तो मैंने सोचा कि राजस्थान में आकर खाटू श्याम जी के दर्शन कर लूँ करके। तो मैं वहाँ से रवाना हुआ, खाटू श्याम जी के गांव पे पहुँचा और यहाँ पर मतलब सोचा कि मतलब 2 दिन यहाँ पर रुकूँ तो कहीं रुकने के लिए टेंट के लिए जगह वगैरह होगी तो मतलब वहाँ पूछ लूँ। तो वहाँ पर मुझे बोला कि आप वहाँ पर जाओ नगर निगम ऑफिस में और वहाँ पर जाके आप पता करो। तो मैं वहाँ गया और वहाँ जाने के बाद जो जो मिशन मतलब आत्मा शांति मिशन, क्योंकि तो अमर शहीद ऑफ गोरखालैंड को लेकर मैं जा रहा था, तो उन लोगों ने सुना। तो वहाँ पर जितने भी नगर निगम के कर्मचारी चेयरमैन है, मैं उन लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मुझे मेरी मदद की और ये रूम बुक करके उन्होंने मुझे दिया कि मतलब मैं 2 दिन तक हूँ तो शायद मैं 2 दिन तक यहीं पर रुकूंगा। तो उन लोगों ने मुझे यहाँ पर मदद करके दिया, तो थैंक यू वेरी मच राजस्थान नगर निगम। तो बाकी मैं शाम को जाऊँगा खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए, फिर बाकी मैं वहाँ पर भी मिलाऊँगा आप लोगों को, नगर निगम के जितने भी मेरे हेल्प किया, जिन लोगों ने मेरा हेल्प किया मैं उनसे भी मिलाऊंगा। तो तब तक स्टे ट्यून। तो दोस्तों हवा बहुत तेज चल रही है, तो अभी मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर इतना बड़ा बैल महाराज भी है। तो अभी पहले थोड़ा नगर निगम ऑफिस चला था मैं सर लोगों से मिल के, फिर वहाँ से सीधे खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाऊँगा। तब तक स्टे ट्यून। तो दोस्तों मैं यहाँ पर चल रहा था तो थोड़ा सा इसने पीछा किया मेरा, तो देख रहा था शायद भूखा होगा, तो बस इसे बिस्किट भी दिला दिया। तो मैं ये नगर निगम ऑफिस में पहुंच गया, एसआई सर है, तो उन्होंने हेल्प की। तो जाते वक्त ही आप लोगों से मिलाऊंगा, पहले अभी थोड़ा खाटू श्याम जी के दर्शन कर लेते हैं। तो ये राजस्थान की शान। तो जो ये है ये श्री श्याम शरणम का जो गेट दिख रहे हो आप, तो यहीं से हमें इसी रास्ते से होते हुए खाटू श्याम के दर्शन करने पड़ेंगे। तो देख सकते हैं अभी भी बहुत सारे लोग, बहुत भीड़ है, मतलब अभी भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो जितने भी दर्शन करने के लिए आ रखे हैं। तो ये सब यहीं पर खड़े होके फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, तो देख सकते हैं आप मेरे पीछे। तो जो ये मार्केट देख रहे हो आप लोग, तो ये शायद यहाँ का मेन मार्केट होगा गली का। तो ये खाटू श्याम है, जो बाबा खाटू श्याम का जो मंदिर बना हुआ है, ये शायद महाभारत काल से है। तो बताऊंगा अभी थोड़ा, जो थोड़ा इसका हिस्ट्री है वो भी बताऊंगा आप लोगों को। पहले थोड़ा सा वहाँ पर शांत जगह देख लूँ। जो ये रास्ता है पूरा गांव के अंदर से होते हुए जाता है, तो आप देख सकते हो कितने सारे लोग नंगे पैर मंदिर तक जा रहे हैं।
तो यहाँ से मैंने प्रसाद लिया और जूता मैंने वहीं पर भूलिया। यहाँ से कम 150-300 मीटर और दूर है मंदिर। तो सभी सभी के सभी नंगे पैर ही जा रहे, तो मैंने भी वहाँ पर भैया से बोलकर जूता वहाँ पर रखवा लिया है। तो देखते हैं अभी कितना दूर है यहाँ से, तो तब तक चेकिंग। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर पे। अब ये देख सकते हो कि मतलब जो ये लाइन है कितनी लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है। कम से कम मुझे भी इस लाइन से मंदिर तक पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगा था। तो अब ये देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर और मुझे परमिशन नहीं मिला था अंदर तक जाने का और कैमरा यूज़ करने का, तो मैं कर नहीं पाया। मैं सिर्फ बाहर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो और जो ये आप सामने देख रहे हो ये है श्याम कुंड, तो ये भी उसी टाइम से। दोस्तों फाइनली मैं मंदिर से बाहर आ चुका हूँ, तो मैं जाऊँगा और खाना खा के अभी आपसे बात करते हैं। तो स्टेडियम तो गाइस मैं मंदिर से वापस आ गया, तो अभी थोड़ा नीचे डिनर करने जा रहा हूँ। तो डिनर करने के बाद फिर हम सोते हैं। काफ़ी थक गया था, दवा खा के पता भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो चलिए पहले डिनर करते हैं फिर आप समझ। तो फाइनली गाइस कम से कम जब एक महीने बाद मैं किसी अच्छी जगह पर बैठ कर खाना खा रहा हूँ। और सुबह में चार पूरी खा के निकला था, तो उसके बाद सीधे आप डिनर हो। तो अब डिनर करता हूँ क्योंकि कुछ सुबह ही खाया था, फिर दिन में कुछ नहीं खाया था। अब सीधे डिनर कर रहा हूँ, तो पहले डिनर कर लेता हूँ फिर उसके बाद सोने चलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुका है और मैंने यहाँ से टिकट कर लिया राजस्थान से भोपाल का। तो स्लीपर में करवाया है, अब थोड़ा नाश्ता कर लेता हूँ। कल का है टिकट, तो आज यहीं रुकूँगा और कल रवाना होगा। अभी थोड़ा नाश्ता करने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक ही ढाबा है, तो यहाँ पर मैं पराठे बोला है और किसी चीज़ का तो है नहीं। यहाँ पर सिर्फ गोभी के पराठे है, तो थोड़ा महंगा है लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो वही पराठे खाऊंगा। फिर उसके बाद थोड़ा नगर निगम ऑफिस जाके वहाँ पर जिन लोगों ने मतलब जो भी SI/SR वगैरह थे उन्होंने हेल्प किया था, तो उनसे मिलने जाऊँगा। फिर सीधे रूम ही जाऊँगा क्योंकि थोड़ा रेस्ट करूँगा, सुबह का ट्रेन है। तब तक स्टे ट्यून। तो दोस्तों पराठे वगैरह तो खा लिए मैंने, अब निकल रहा हूँ मैं जयपुर की तरफ फिर से, क्योंकि जयपुर से मेरा ट्रेन है भोपाल के लिए, तो कल सुबह का ट्रेन है। तो यहाँ से और मैं एक रात और रुका तो शायद सुबह गाड़ी मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो सुबह तो मैं अभी निकल रहा हूँ। तो चलिए पहले थोड़ा सब लोगों से मिल लेते जिन लोगों ने मेरी हेल्प की, फिर मैं 5 बजे के करीब यहाँ से निकल जाऊँगा जयपुर के लिए। तो तब तक स्टे ट्यून। तो फाइनली गाइस मैं यहाँ नगर निगम ऑफिस पे आ गया हूँ। तो यहाँ पर जितने भी बढ़िया लोग हैं सभी ने मेरी मदद की, सभी ने अभी सर लोग भी है, सर भी है यहाँ पर, मंजू दी भी है, उन्होंने भी हेल्प किया। तो इस तरीके से मुझे हेल्प मिला। तो कभी मैं प्लेटफॉर्म में रुका, कभी बस स्टैंड में रुका, तो शायद कम से कम बहुत टाइम के बाद मैं एक अच्छे कमरे में रहा और सभी भैया लोगों ने हेल्प किया। तो थैंक यू वेरी मच। तो अभी मैं सभी लोगों से मिलाऊंगा आप लोगों को। फाइनली गाइस मैं यहाँ नगर निगम के ऑफिस में बैठा हूँ, तो अपना ये यूटिलिटी का प्रोग्राम यहाँ पर सुना है और यहाँ पर मुझे एक और बड़ी माँ मिल गई, इनका नाम मिस मंजू है। इन्होंने बोला है कि मुझे दीदी करके बुलाना, तो मुझे एक और बड़ी बहन बड़ी माँ मिली यहाँ पर। तो ऐसे ही प्यार मुझे राजस्थान से मिला। बाकी मैं अभी यहाँ से
जयपुर के लिए निकल रहा हूँ और यहाँ पर सभी लोगों ने मेरी हेल्प की और बाकी जयपुर जाके फिर उसके बाद मैं जा रहा हूँ भोपाल। तो तब तक स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। मैं सभी को बाय टाटा कह के निकल गया हूँ और अपने सीधे जाऊँगा जयपुर। तो सुबह की ट्रेन है 7:40 की और शाम को पहुँचा देगी मुझे भोपाल। तो तब तक स्टे ट्यून्ड, चलो जयपुर चला जाओ। सो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं वो जयपुर जंक्शन में और यहाँ पर मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, आने वाला है और यहाँ से मैं जा रहा हूँ सीधे भोपाल मध्य प्रदेश। तो फाइनली गाइस मैं ट्रेन के अंदर बैठ चुका हूँ। तो ये ऊपर मेरी सीट है और ये मेरा सामान, बस ट्रेन भी चल चुकी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बस आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो राजस्थान का सफर यहीं पर ख़त्म होता है। तो इफ़ आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी जाकर फॉलो कर दीजिए। बाकी मिलते हैं आप लोगों से सीधे भोपाल में मध्य प्रदेश में। तो जिन लोगों ने अभी तक मिस्टर गो को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी जाके मिस्टर गो को सब्सक्राइब कर लीजिए और तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।